बड़वानी से अंजड़ नगर परिषद के रिकॉर्ड रूम में लगी आग। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक। आग कैसे लगी नहीं हो पाया खुलासा। अंजड़ नगर परिषद प्रांगण स्थित स्टोर रूम में शनिवार रात को अज्ञात कारणों से आग लगने से स्टोर रूम में रखी बीपीएल कार्ड के फॉर्म, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दस्तावेज, मतदाता सूची, फॉगिंग ऑयल, पेट्रोल, सैनिटाइजर, दवाई और अन्य कई सामग्री रखी थी जो जलकर खाक हुई। उक्त स्टोर रूम सीएमओ निवास के समीप स्थित थी। सूचना मिलते ही सीएमओ ने तुरंत फायर फाइटर और नपा कर्मियों को बुलाकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। फायर फाइटर आग बुझाता तब तक सारा रिकॉर्ड जल गया। सीएमओ मयाराम सोलंकी ने बताया कि घटना शनिवार रात की है। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा। सीएमओ ने बताया कि घटना की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दे दी गई। आग में कितना नुकसान हुआ इसका आकलन किया जा रहा है। वहीं नगर परिषद के कक्ष में इस तरह आग लगना और रिकॉर्डों का जल जाना शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। कल ये आग की जो घटना लगी हुई है नगर परिषद में, क्या मामला है सर? ये कल दिनांक 17/10/2020 को शनिवार रात्रि 8:30 बजे के लगभग एक हमारे आवासीय परिसर के समकक्ष एक स्टोर रूम है, उसमें अज्ञात कारणों से आग लगी थी। जिसमें हमारे स्टोर में बहुत सारी सामग्री रखी थी, जिसमें बीपीएल फार्म थे, उसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन संबंधित दस्तावेज थे, उसमें फॉगिंग ऑयल भी था, पेट्रोल भी था, सैनिटाइजर दवाई भी थी और कुछ नगर पालिका की मतदाता सूची वगैरह और अन्य सामग्री थी जो मतलब लगभग जल चुकी है। सर आग लगने का क्या कारण है? ये अज्ञात कारण है, इसमें तो अभी तो कोई पता नहीं हुआ कि किस कारण लगी है, क्योंकि अब शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब इसके संबंध में कोई नुकसान क्या हुआ होगा सर इसका आकलन किया जा रहा है, क्योंकि अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से सचिन राठौड़ की रिपोर्ट। प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।